छतरपुर जिला के बिजावर मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर पन्ना टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र किशनगढ़ बफर में इको पर्यटन बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन किशनगढ़ हाई स्कूल के 130 विद्यार्थियों को वन विभाग द्वारा भोरखुआ के जंगल का भ्रमण कराकर उन्हें वन क्षेत्रों, पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र, कोर जोन आदि जंगलों के विषय में आवश्यक जानकारियां दी गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी किशनगढ़ बफर अरविंद केन, मास्टर ट्रेनर मनीष रावत, भवानी दीन पटेल ने सभी छात्रों को वन क्षेत्रों का भ्रमण कराते हुए यहाँ की भौतिक स्थिति, वन्य जीवों की उपस्थिति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की जानकारी दी। प्रकृति के बीच यहां स्कूली छात्र छात्राओं के बीच निबंध, गायन, चित्रकला सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रकृति के बीच खुद को पाकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित और प्रसन्न नजर आए और पर्यावरण से रूबरू हुए। वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद केन द्वारा यहाँ ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कराई गई, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के स्लोगन मोनो मानव श्रृंखला आदि तैयार की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। किशनगढ़ से आई हूँ। वन विभाग के सदस्यों द्वारा हमें घुंघरी के भौरखुआ नामक स्थान पर भ्रमण कराने के लिए लाया गया था। यहाँ पर हम लोग को काफी अच्छा लगा। प्रगति से हम लोगों को प्रगति का अच्छा अनुभव कराया गया। यहाँ पर कई प्रतियोगिता हुई, जिसमें परीक्षा दी हम लोगों ने, कला और गीत चित्रकला भी हुई। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम के लिए घुंघरी आए थे, जहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ देखे, बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति का जो चित्रण होता है वो देखा, और अपनी आंखें बंद करके यहाँ की आवाज़ों को जाना कि हमें शांति में अगर देखें तो कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर हम लोग शोर से हटकर यहाँ पर आएँ तो हमें बहुत शांति भी मिलती है, और हम साथ साथ उसके महत्व को समझते हैं, तभी तो हम उसके बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। अगर हम लोग जागरूकता पैदा करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद। विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की ओर से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किया गया, जिसमें किशनगढ़ दो दिवसीय कार्यक्रम था, जो 21-12-2022 को रखा गया था, जिसमें किशनगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें प्रथम दिवस 130 बच्चों को सम्मिलित किया गया था, और आज द्वितीय दिवस है, उसका समापन है आज, और आज भी यहाँ पे 130 बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा यहाँ पे बच्चों को वन भ्रमण कराया गया है, जिसमें पक्षी दर्शन का कार्य किया गया और उसके वनों के बारे में जानकारी दी गई, वनों के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही यहाँ पे चित्रकला, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे आए हैं उनको भी प्राइज वितरण का काम किया गया।